नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसे खतरे के बारे में जो अभी तो टल चुका है लेकिन भविष्य में फिर हमारे पृथ्वी पर देगा दस्तक। दोस्तों आज मैं जिक्र करने वाला हूं उस उल्कापिंड का, उस एस्टेरॉयड के बारे में जो अभी हमारे पृथ्वी के पास से गुजरा है। ऐसा बताया जा रहा था नासा की टीम के द्वारा कि यदि ये वाला उल्कापिंड हमारे पृथ्वी से जरा सा भी टकरा जाता है तो उस समय हमारे पृथ्वी पर मचा देगा बहुत बड़ा कोहरा। आप लोगों को मैं इस एस्टेरॉयड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को सुनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अचंभित करेगा। ऐसा बताया गया था 1998 की ड्यूरेशन में कि इस उल्कापिंड के बारे में नासा की टीम को पहले से ही पता लग गया था और वो इसके ऊपर तब से ही अपनी नजर बनाए हुए थे। और अभी जब ये पृथ्वी के पास से गुजरा तो इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इसी उल्कापिंड का जो नाम है वो रखा गया था 1998 OR2। अगर हम जिक्र करते हैं इसके आकार का तो ऐसा बताया जा रहा था दोस्तों कि इसका आकार अपने आप में एवरेस्ट के पर्वत के जितना बड़ा है और हल्का सा पृथ्वी पर टकराने के बाद में पृथ्वी पर यह सुनामी जैसी कंडीशन भी क्रिएट कर सकता था। इसका जो आकार बताया गया है दोस्तों वो अप्रोक्सीमेट बताया गया था 1.8 किलोमीटर से लेकर 4.1 किलोमीटर तक, जो कि अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड, एक क्षुद्र ग्रह माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस प्रकार के 50,000 उल्कापिंड पृथ्वी के अंदर 100 सालों में आसपास से गुजरते हैं। ये उल्कापिंड यदि पृथ्वी पर आ जाता है तो इससे इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी बताया गया है रिकॉर्ड के अनुसार कि मानव आबादी को भी ये समाप्त कर सकता है। अभी नासा की टीम इस उल्कापिंड के उस ऑर्बिट पर नजर बनाए हुए है क्योंकि एक बार फिर से ये 16 अप्रैल 2079 में फिर से रिपीट होगा और रिपीट होने के बाद में पृथ्वी के ज्यादा करीब से गुजरेगा, क्योंकि इस बार जो ये गुजरा था वो 18 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डराने वाली कंडीशन में था। हमारे पूरे देश विदेश के वैज्ञानिक इसी चीज को लेकर चिंतित है, यदि ये पृथ्वी की ऑर्बिट के अंदर आ जाता है, कक्ष में प्रवेश कर लेता है, तो उसके बाद मानव आबादी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था। भविष्य में शायद ये पृथ्वी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस उल्कापिंड से अपने पृथ्वी को बचाने के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ में।